अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का, अपने बालों का और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, जैसे जैसे वेदर चेंज होता जा रहा है उसी तरह से हमारी स्किन और हमारे बाल, हर चीज़ में चेंज आता जाता है। तो आज मैं आपको ये वाले स्टेप्स बताने वाली हूँ। 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपने विंटर्स में अपनी स्किन केयर में ज़रूर शामिल करते हैं। तो पहला स्टेप है क्लिंजिंग। जी हाँ, क्लिंजिंग जो है वो आपने गर्मियाँ हो या सर्दियाँ वो ज़रूर करनी होती है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिंजिंग। सेकेंड स्टेप आता है फेस वॉश। फेस वॉश भी आपने ज़रूर यूज़ करना है, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ। लेकिन सर्दियों में अगर आपको आपकी स्किन कहती है कि उसको गर्मियों वाला फेस वॉश अच्छा नहीं लगता, तो आप सर्दियों में दूसरा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में दूसरा। थर्ड स्टेप पे आता है मॉइस्चराइज़र। जी हाँ, आपने ज़रूर मॉइस्चराइज करना है। लेकिन जिन लोगों की स्किन ऑयली है या फिर एक्नी प्रोन है या फिर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, उन्होंने कोई भी ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना होता। वो जो है वो एंटी एक्नी मॉइस्चराइज़र्स जो हैं वो यूज़ करें। और जिन लोगों की स्किन नॉर्मल है वो कोई सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों की स्किन मेच्योर या थोड़ी एजड है उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है कि वो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स जो हैं वो यूज़ करें या फिर सेरामाइड्स वाले मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में आ जाता है सन ब्लॉक। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि सर्दियां हैं तो आपको सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। गर्मियां हो या सर्दियां, सन ब्लॉक उतना ही इम्पॉर्टेंट है और वो आपने ज़रूर लगाना है। अगर ये 4 स्टेप्स जो हैं वो आप पूरे रखेंगे तो सर्दियों में भी आपकी स्किन जो है वो आपको फ्रेश और हेल्दी और बिल्कुल भी जो है वो तंग नहीं करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सर्दियों में यूजुअली हमें प्यास कम लगती है और उसकी वजह से हम पानी कम पी रहे होते हैं और गर्म कपड़े भी पहनते हैं। इससे भी आपकी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हाइड्रेशन पूरी रखें और अपने पानी की अमाउंट जो है या पानी का इनटेक जो है वो आप नॉर्मल ज़रूर रखें। ऐसा ना हो कि पूरे दिन में 3 ग्लास पी रहे थे तो उससे तो स्किन ड्राई होगी और आपको विदड भी लगेगी और अच्छी नहीं लगेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।